वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तलविंदर सिंह, पाटणा शहर, जिला पटियाला, स्टेट पंजाब, भारत का रहने वाला। मैं इस दस्तार सुझाव मुकाबले दी सारियां शर्तां नूं मानते हुए इंटरनेशनल दस्तार मुकाबले विच हिस्सा लै रहा। तो शुरू करते हैं दस्तार। अक्सर दस्तार सजाउण लग्या मूँह विच दस्तार पाई जाती है, जां इउं कह लो मैं भी सीखी है। जदों दस्तार नूं मूँह विच पा के ही मैनूं सिखाया गया सी, तां बाद विच सोझी आई कि दस्तार सुची रखनी चाहीदी है। जदों तुसी दस्तार सजाउंदे हो तां हत्थ धो के अकाल पुरख वाहिगुरू दा नां लै के दस्तार सजाउणी चाहीदी है। तो इस तरह दस्तार मूँह विच पाउण नाल जूठी हो जाती है। तो पुरातन सिंह जिहड़े हैगे आ उह इस गल लई रोकदे ने, वरजदे ने। तां उस तों बाद फिर इहदा मैं सबस्टीट्यूट लभिया कि पहलों मूँह विच रुमाल रख के नाल दस्तार तुसीं रख सकदे हो। दस्तार फारसी का लफ्ज़ है, दस्तार यानी कि दस्त हथ नूं कहा गया, तैयार यानी कि दस्तार हाथ नाल बन्नी गई सिर दे उत्ते, वो तैयारी या ए कलो। कुछ विद्वान इनू दस्तार यानी कि दस लड़ां वाली पगड़ी भी कहिंदे आ, पग कई नाम ने ते कई स्टाइल ने। ये जिहड़ा आम तौर ते चलदा है स्टाइल वो बनते हैं। ते आम तौर ते जिहड़ी दस्तार है उहदा साइज़ भी लगभग 5.5 मीटर, 6.5, 7.5, लास्ट मोस्टली 7.5 रखते हैं। तो वाहिगुरू की कृपा नाल दास 8.5 मीटर की दस्तार सजाउंदा है। जिहड़ी दस्तार तुसी देख रहे हो ये भी 8.5 मीटर की है। तो मैनू नहीं पता इस मुकाबले विच नाल गलबात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पर इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं सी हैगी उस पोस्टर ते जिहड़ा मैनू मिलिया सीगा। ते ए जरूर सीगा कि एडिटिंग नहीं कर सकदे ते नाल कोई म्यूजिक वगैरह नहीं एडिट करके लाउणा हैगा। मैं सोचिया नाल नाल दस्तार दी अहमियत बारे, दस्तार बारे जां जिहड़ी आम विचारधारा है वो डिस्कस कर ली जावे, ते चंगी गल है। इस तरह जिहड़ी दस्तार है वो बनी जाती है। लास्ट लड़न थोड़ा जा सफाई नाल लो जी, लगभग 4-5 मिनट च बनी गई। हाँ, इनू सोहनी बनाते सजाते जह लो गए ये बाज फेरन लग्या थोड़ा समा लग जाता। समा लाने वाले तो अद्धा अद्धा घंटा भी लाई जाते हैं। जदों असी नवी नवी सीखते हाँ उस वेले भी पगते समा नौजवान काफ़ी लाते ने। लो जी, लो जी, लगभग 3.5 मिनट ही बनी गई। बहुत समय नहीं लगता जदों तुसी रूटीन दे विच रोजाना बनते हो, तो मेरे ख्याल च पग बनने ते वाला टाइम लगता नहीं गा। अक्सर जदों मैं शुरू की थी कहिंदे सी टाइम लगता है या इस चीज़ का समा खराब हुंदा। जदों तुहाडा शौक होवे दस्तार बनन दा
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। 2-4 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ, ਕੁਛ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ 3 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਵਿਰਸੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟਾਈਲਸ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਸਿਪਾਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਲਾ ਲਓ, ਰੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕੀ, ਮੁਹੰਮਡਨਸ, ਇਹਦਾ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਫਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਂਦ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਦਸਤਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਔਰ ਫਰੰਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।